तो हेलो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार तिवारी आपका अपने लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में अपन चर्चाएं करेंगे बहुत चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आप इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी। इसके अंदर कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उस पर चर्चाएँ चलेंगी, और साथ साथ में मैं बहुत सारे रे डायग्राम भी बनाना बताऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम को लैप्स किए हुए अपन क्या करते हैं भाई, टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो क्या नाम है भाई अपने टॉपिक का, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इज इट ओके नाउ। तो जैसा कि अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, एक चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितना डिस्टेंस पे हमारा क्या रहता है ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बच्चों जितना दूरी पर क्या रहता है ऑब्जेक्ट रहता है, उतना ही दूरी पर क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इमेज बनता है। तो थोड़ी सी उसी चीज़ों को हम लोग रिपीट करते हैं, देखते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे 10th और 12th में अंतर क्या है, तो हम लोग सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मैथमेटिकली उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उतना ही डिस्टेंस पे हमारा क्या बनता है, प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो इज इट ओके नाउ, कम टू द पॉइंट, चलते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, प्लेन मिरर है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, प्लेन मिरर है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। यहाँ पर मैंने क्या रखा है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा है डी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे मैंने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया मान लो। और हमको पता है कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पे क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए इस ऑब्जेक्ट का, क्लियर है। इज इट ओके, तो कैसे होता है ऐसे, इसका थोड़ा रे डायग्राम देखेंगे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। चलो तो कम टू द पॉइंट, आते हैं अब देखते हैं। तो किसी भी इमेज को फॉर्मेशन होने के लिए कितने रे की जरूरत होती है, मिनिमम 2 रे की, 2 से ज़्यादा, इन्फिनिटी रे भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितने रे की जरूरत होती है, तो 2 रे की जरूरत होती है, ठीक है भाई। तो 2 रे यहाँ से खींचने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, दो तरीका से, दो इंटरप्रिटेशन से मैं इस चीज़ों को आप लोगों को डिस्कस करूँगा, दो पर्सपेक्शन से अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, तो ठीक है एक चीज़ और देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे आई, ठीक है, और अगर मिरर नहीं रहता, अगर मिरर नहीं रहता तो मैं, मेरा मान लो आँख कहीं इधर है, मान लो इधर कहीं मेरा आँख है, इधर कुछ आँख है मेरा मान लो, ठीक है, इधर आँख है, ध्यान से सुनना। अगर मिरर नहीं रहता तो हमसे हमारा रे कहाँ से आती हुई दिखती, यहाँ से दिखती, तभी तो यहाँ से इमेज बनता। अगर मिरर नहीं रहता तो ये रे कहाँ से आती हुई दिखती, यहाँ से नहीं आती हुई दिखती बच्चों, यहाँ से आती हुई दिखती, लेकिन मिरर होने के कारण ऑब्जेक्ट से आ रही है इमेज, और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से चली जा रही है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। तो इसको दो पर्सपेक्शन में पढ़ेंगे, क्या, एक तो भाई पढ़ेंगे एक चीज, इसका और फॉर्मेशन कर लेते हैं उसके बाद में बातें करता हूँ। यहाँ से एक रे आई इधर और आकर के इधर चली गई, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर। दो चीज़ें, दो पर्सपेक्टिव में हम बातें करेंगे, ध्यान से सुने मेरे बच्चों। क्या है, एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मेरा मिरर नहीं रहता, ध्यान सुनो, अगर मेरा मिरर नहीं रहता तो ये कहाँ से आती हुई दिखाई देती, यहाँ से आती हुई दिखाई देती, इसका मतलब जहाँ से आती हुई दिखाई देती अपीयर होता वहीं पर क्या बनता, इमेज। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अगर मिरर नहीं रहता तो ए रे जो आ रही है वो कहाँ से डायरेक्ट आती हुई दिखाई देती, यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से आती हुई दिखाई देती, लेकिन चूंकि मिरर है तो यहाँ से तो रे आ रही है, एक्चुअल में रे यहाँ से आ रही है, लेकिन दिख क्या रहा है कि कहाँ से रे आ रही है, यहाँ से आ रही है, इसलिए इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इज इट ओके, एक तो परसेप्शन ये हो गया, एक परसेप्शन ये हो गया, इस परस्पेक्टिव में हम लोग बातें कर सकते हैं। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। दूसरा पर्सपेक्शन देखते हैं, इमेज को फॉर्मेशन होने के लिए कितनी रेज की जरूरत होती है, 2 रे की जरूरत होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद 2 रे मीट या अपीयर टू मीट। तो ये देखो, यहाँ से एक रे आई, यहाँ से बाउंस बैक करके इधर चली गई, यहाँ से एक और रे आई बाउंस बैक कर इधर आ गई, इधर कभी भी मिलेगी क्या दोनों, कभी भी नहीं मिल सकती है, मतलब इधर तो इमेज का फॉर्मेशन कभी होना संभव ही नहीं है, नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी कि इधर इमेज का फॉर्मेशन हो,
लेकिन लगेगी क्या भाई कि दोनों रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से हो रही है। लगेगा कि दोनों रे कहाँ मिलती हुई दिखाई देगी, कहाँ मीट करती हुई दिखाई देंगी मेरे बच्चों, तो यहाँ पर जो है मीट करते हुए दिखाई देंगी। इसलिए इमेज का फॉर्मेशन है, इस इमेज को अपीयर टू मीट होता है, तो इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इसलिए हमको पता भी है और पता भी रहना चाहिए कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो दोनों पर्सपेक्टिव को याद रखेंगे और पहले वाले पर्सपेक्टिव से ही मैं बहुत सारी बातें आज के लेक्चर में करूँगा, चर्चाएँ करूँगा, क्योंकि इस लेक्चर जो अभी मैंने बात की, दूसरी मेरी बात थी उसमें 10th में पढ़ते थे ऐसा कि इधर नहीं मिलेगी, इधर कभी नहीं मिलेंगी, तो इधर अपीयर्स टू मीट होगी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब मैं बातें करूंगा, जो भी इमेज बनाऊंगा तो इस पर्सपेक्टिव से बातें करूंगा, आप लोग सुनोगे कि अगर मिरर नहीं रहता, अगर मिरर नहीं, हमारा आंख यहां है तो आंख किसको देखेगा भाई, इमेज को दिखेगा। तो मिरर यदि नहीं रहता तो कहां से मेरे आंख के यहां एरे आती हुई दिखाई देती, यहां से दिखाई देती आती। लेकिन मिरर के कारण क्या हुआ, मिरर के कारण रे यहाँ से ना करके कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, लेकिन दिखाई कहाँ देती, यहाँ से दोनों आती हुई दिखाई देती, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके, क्लियर है भाई। इसलिए इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर दिखती, ठीक है। तो एक बात हुई ये, दूसरी बात इसको एक तरह से और देख सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। अगर मान लो, एक तो ये तरीका हुआ फॉर्मेशन, बहुत तरीका है फॉर्मेशन होने का इमेज को, दो रे किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। मान लो ये मिरर है, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, अब हमको पता है इमेज कहाँ बनेगा, इतनी दूरी पर ही इमेज बनेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। तो क्या देख सकते हैं, कैसे क्या देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, इसको थोड़ा सा रेड्यूस कर लेते हैं। कैसे इमेज का फॉर्मेशन, कितने रे की जरूरत है इमेज को फॉर्म होने के, दो। तो एक मान लो यहाँ पर आई, अगर नहीं रहता तो कहाँ से, अगर मिरर नहीं रहता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती, यहाँ से दिखाई देती होती, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, ध्यान से सुने। एक रे आई, एक रे और ले आते हैं, एक रे और लेते आते हैं छोटो लोग। एक रे कहाँ से लेते हैं, अंदर से ही ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आएगी रे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों लोग, तो अगर मिरर नहीं रहता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती, यहाँ से दिखाई देती, लेकिन मिरर है इस वजह से कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ करके यहाँ पर बाउंस बैक हो रहा है। इसलिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बना है। दूसरा फॉर्मेशन दो तरीका से फॉर्म कर सकते, एक तरीका और देखेंगे, उसी से प्रूफ क्या करेंगे मेरे बच्चों, एक तरीका और देखेंगे, और क्योंकि वो आसान तरीका है, इससे भी प्रूफ हो सकता है लेकिन वो आसान है मेरे बच्चों, तो उसी से प्रूफ करेंगे भाई कि ये डी दोनों सेम होना चाहिए। इज इट ओके, तो इसको लिखते रहेंगे। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, उस वाले पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं, ध्यान से सुने बच्चों। तो मेरे पास क्या है, सुनो ध्यान से, ए क्या है मिरर, ए क्या है मिरर, प्लेन मिरर। यहां पर क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या बनेगा, इमेज। यहां पर क्या बनेगा, इमेज, ठीक है। तो कैसे बनेगा, एक रे यहां से आई, अगर मिरर नहीं रहता तो कहां से आती हुई दिखाई देती, एक्चुअल में यहाँ से दिखाई देती, लेकिन आ कहाँ से रही है, यहाँ से। इसलिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पर। एक ये हो गया। दूसरा मान लेते हैं परपेंडिकुलर, एक रे गई परपेंडिकुलर, अगर ये मिरर नहीं रहता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती, अरे यहाँ से, हमारे आँख को यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, तो इमेज का फॉर्मेशन एक बनेगा। और हमको पता भी है 90 डिग्री पर जाती है जब रे, तो बाउंस बैक हो जाती है सेम पाथ से क्या कर जाएगी, ये बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब 90 डिग्री पर है, अगर सरफेस से 90 डिग्री पर जा रही है रे, तो क्या होती है कि सेम पाथ से बाउंस बैक कर जाती है। या फिर दूसरी पर्सपेक्टिव में बात करें तो नॉर्मल से 0 डिग्री पर जाती है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार 0 डिग्री पर ही वापस चली जाएगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। अब प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिया,
मैंने क्या किया यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होना चाहिए। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है भाई। और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है भाई। ये दोनों लाइन पैरेलल है, थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ये दोनों एंगल थीटा है, ए साइड कॉमन है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। तीन कंडीशन चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए। यहाँ तीनों कंडीशन मेरे बच्चों सेटिस्फाइड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए 90 डिग्री दोनों, ए कॉमन साइड और ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो तीन है कि नहीं है, ए दोनों 90 डिग्री, ए कॉमन साइड और ये दोनों एंगल सेम, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट है मेरे बच्चों। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे तो 110% मेरे बच्चों ए वाला साइड इक्वल होगा, ए वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर क्या बनेगा, इस मिरर से इसका इमेज बनेगा। प्रूफ हो चुका है क्या? प्रूफ हो चुका है। तो इसको लिख लेंगे इस बात को, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर ही कॉन्सेप्ट है बेटा, जब भी मैं बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट है इसका यूज है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दैट प्लेन मिरर। मजा आ रहा है? मजा आएगा छोटू लोग, एक एक चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। मैं मजा इतनी गारंटी में दे रहा हूँ बेटा कि फिजिक्स के लेक्चर में मैं तुम लोगों को एकदम सेटिस्फाइड कर दूंगा। ध्यान से देखना मैंने क्या कहा है, कॉन्सेप्ट इसको याद रखोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। मतलब कि क्या करना है, किसी भी पोजिशन में मिरर रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किसी भी पोजिशन में मिरर रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे किसी भी पोजीशन में मिरर रहे प्लेन मिरर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इमेज प्लेन मिरर से बनाना होगा तो क्या करेंगे बच्चों, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उस मिरर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उस मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या बना देना, उसका इमेज बना देना, बातें खत्म हो जाएंगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखोगे। हटाते हैं, पोज करके बीच बीच में लिख लिया करो। अब दूसरी चीज़ एक और कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लोगे। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने न रखा हो, कहीं यहां रखा हो, तो भाई बताओ इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इधर से कहीं से हम देख रहे हैं, इधर से कहीं से देख रहे हैं, ठीक है। इधर से मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मैं अगर अपने मिरर को देखना चाहता हूं, सॉरी मैं अपने इमेज को मिरर में देखना चाहता हूं, क्या मैं अपने इमेज को मिरर में देखना चाहता हूं, तो यहां से नहीं देख पाऊंगा। हमको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, इसके सामने रहना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के इमेज को देख, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के इमेज को देखना चाहता हूँ मिरर के सामने खड़े होकर के, समझ में आई चाहिए, वो ऑब्जेक्ट मिरर के इधर उधर भी हो तो उसका इमेज हमको दिख सकता है। लेकिन मेरे को माई सेल्फ, मेरा खुद इमेज देखना है उस मिरर के अंदर, तो हमेशा हमको कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, मिरर के सामने। अगर यहाँ खड़ा होकर के अपने इमेज को देखेंगे तो थोड़ी दिखेगा। इस वाले कॉन्सेप्ट पे एक सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू में, ठीक है। इसीलिए इसको दिमाग में रखना। तो मैं यहाँ, मेरा आँख कहीं यहाँ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो बताओ इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनता है, तो थोड़ा सा इसको इलाबरेट कर लिया करो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया करो, थोड़ा सा क्या कर लिया करो, एक्सटेंड कर लिया करो। अब जितना दूर ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, उतना ही दूर क्या बना दो, इमेज बना दो। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? उतना ही दूर क्या बना दो, इमेज बना दो मेरे बच्चों। तो इमेज बन चुका है, ठीक है।
अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं भाई, इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। तो एक रे आई ऐसे सीधा, अगर मिरर नहीं रहता तो ये कहाँ से आती हुई दिखती, यहाँ से आती हुई दिखती, कहाँ से आती हुई दिखती मेरे बच्चों, तो यहाँ से आती हुई दिखती। लेकिन मिरर है तो ये कहाँ से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाउंस बैक होकर के ऐसे ही निकल जा रहा है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है भाई, एक और यहाँ से रे लाते हैं क्योंकि दो रे की जरूरत होती इमेज को बनने के लिए, इसी के ऊपर लाते हैं, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर लाया मैं। अगर मिरर नहीं रहता तो आती हुई कहाँ से दिखती, यहाँ से दिखती, लेकिन मिरर है तो कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, और इस मिरर से टकरा करके इसी लाइन में चली जा रही है। तो इधर कभी मिलेगी क्या, कभी भी नहीं, उस रास्ते से जाएगी इस तरह, तो लगेगा कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा, इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। इसका मतलब इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल से, कि मेरे आँख को कहीं इधर रहना चाहिए, अगर मेरी आँख कहीं इधर है, ठीक है, मेरी आँख इधर कहीं इधर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रह सकता है, इसके आसपास, इसके सामने पीछे नहीं रहना चाहिए, तो इमेज का फॉर्मेशन, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, इसके सामने मिरर के इधर 180 डिग्री पर है, पीछे नहीं रहना, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगा। लेकिन इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखे, मेरा आँख अगर सामने हो, इधर हो, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ भाई, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर इमेज दिखाई देगा हमको। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है भाई, इसको पॉज करके बना लो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलो बच्चों चलते हैं, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन करते हैं इजी वन। मान लो, क्या कैसे कैसे पोजीशन निकालना सीखेंगे, इमेज का मिरर से पोजीशन, ऑब्जेक्ट के इमेज का पोजीशन निकालना सीखेंगे। मान लो ये क्या है, ओरिजिन है, यहाँ पर क्या रखा गया है, मिरर रखा गया है, क्या रखा गया है, मिरर, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ रखा गया है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 2 मीटर की, और एंगल क्या है मिरर का, 30 डिग्री है, तो बताओ व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन बता, बता दोगे, हाँ यार बता दोगे, एक मिनट के लिए ट्राई कर लो आप पॉज कर करके, ठीक है, चलो तो करते हैं। तो वही क्या करना है, प्लेन मिरर है तो मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से खींचने शुरू करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, यहाँ क्या बन चुका है, इमेज बन चुका है। तो ए एंगल सेम है, ए दोनों साइड बताओ, ए दोनों साइड सेम है, एंगल सेम, एंगल 30 डिग्री है, कॉमन साइड है, मतलब कहेंगे तो ए वाला जो साइड होगा इसके बराबर होगा क्या, अरे भाई ए दोनों क्या है, दोनों कंग्रुएंट दिख रहे हैं क्या, ए देखो 90 डिग्री, ए कॉमन साइड, ए कॉमन साइड 90 डिग्री, इज इट ओके डिग्री, ए 90 डिग्री कॉमन साइड, ए साइड भी क्या है इक्वल, हमको पता है, तो इसका मतलब एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, एंगल सेम होगा तो ये साइड भी क्या होगा भाई, एक ऐसा ट्राइंगल बन गया, एक ऐसा ट्राइंगल बन गया भाई, ए 30 डिग्री, ए 30 डिग्री, ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ठीक है, क्लियर है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, ओके, ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं ना, दो साइड सेम है इसका, क्लियर है, इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम होता है, आइसोस्केलस में दो साइड सेम होता है, और स्केलन में क्या होता है कि तीनों साइड डिफरेंट होता है, ठीक है, तो ए 2 मीटर है तो ए 2 मीटर होगा, एंगल सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों 90 डिग्री है, और साथ साथ में ये कॉमन साइड है, ठीक है, कंग्रुएंट है, मतलब कि ये जितना साइड होगा उतना ही साइड होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो अब इसका पोजिशन निकाल सकते हो क्या इमेज का, बिल्कुल निकाल सकते हो जी, कैसे भाई, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो इसका पोजिशन क्या होगा,
एक्स पर कितना होगा ये, एक्स पर बोलो, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर इसकी दूरी क्या होगी, 2 cos 60, ये टोटल 60 है, 2 है, 2 cos 60, और वाई पे कितना होगी, 2 sin 60, बस खत्म काम। एक्स पे कितना होगी छोटू लोग, एक्स पे कितना होगी, हो यही होगी 2 cos 60, और वाई में कितना जाएगा, 2 sin 60 हो। ये तो आता होगा, कोऑर्डिनेट पढ़े होगे आप लोगों ने, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो एक क्लियर हो जाएगा। एक्स पर कितना गया, ए पोजीशन एक्स पर कितना गया, 2 cos 60, 60 है, 2 है, हाइपोटेनस 2 है और एंगल 60 है, तो बेस कितना होता है, 2 cos 60, ठीक है, हाइपोटेनस 2 है, एंगल 60 है, तो परपेंडिकुलर कितना होता है, 2 sin 60 होता है, तो 2 cos 60, 2 sin 60, मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, और 2 sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 कैंसिल, मतलब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 1 और √3 हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, 1/√3 होगा। इजी टू गेट टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके, क्लियर है सवाल, क्लियर होगा, ठीक है, इजी था, और क्वेश्चन करते हैं, इसको पोस्ट करके लिख लेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद पोस्ट करके लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 45 डिग्री का देख लेते हैं, इजी टू, मान लो यहां पर एक 45 डिग्री पर रखा गया, कितना पर, 45 डिग्री पर एक मीटर रखा गया, तो 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ लो, और मान ले रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक कुछ रखा गया है 2 और 0 पे 2 और 0, इसका पोजीशन क्या है, 2 0, मतलब एक्स पर क्या है, 2 0, तो अगर 45 डिग्री एंगल रहता है, तो याद रखना है कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, अगर 45 डिग्री तो वो सिमेट्रिकल है, कैसे रखा गया है दोनों साइड के, सिमेट्रिकल रखा गया है, क्या भाई, तुम्हारा मिरर, तो जब सिमेट्रिकल होता है तो 2 0 है ना, तो इसका इमेज 100% किस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर, सी एक्सिस पर बनेगा, क्योंकि सिमेट्री है, जितना एंगल इधर है, प्रीवियस लेक्चर में जाओगे तो मैंने बताया था कि किसी प्लेन मिरर से या फिर किसी मिरर से जितना एंगल ऑब्जेक्ट रखा गया रहता है, जितना एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया रहता है, उतना ही एंगुलर डिस्टेंस पे क्या बनता है, इमेज बनता है, मतलब 45 डिग्री पे इमेज भी बनेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके ऊपर ही बनेगा, ये कन्फर्मेशन है, कैसे बनेगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, ठीक है भाई, तो ये 2 0 है तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 2 है, x पर 0 है, तो ये क्या, y पर कितना होगा, यहाँ पर y पर 2 होगा, y पर कितना हो जाएगा, 2 छोटू 2, और x पर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है, 0, और y एक्सिस पे x क्या होता है, 0, y कितना हो गया, 2 मीटर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत लोग बताते हैं अलग अलग तरीका से, बहुत जगह जाओगे तो ज्योमेट्री बताएंगे, लेकिन उतनी करने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे, ए चुकी क्या है 45 डिग्री, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर एक बातें हुए, आए 45 डिग्री सिमेट्री है, तो सिमेट्री के लिए मैंने बताया था कि जितना एंगल पर क्या बनता है इधर, जितना एंगल पर क्या बनता है ऑब्जेक्ट बन रहता है, उतना ही एंगुलर डिस्टेंस पर क्या रहता है, इमेज, मतलब 45 डिग्री पर इमेज भी बनेगा, तो इमेज कहीं सी पर बनेगा कि नहीं बनेगा, अब हमको पता है कि परपेंडिकुलर, जितना 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रहता है, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनता है, इसका मतलब ये 2 0 है, तो ये कहाँ बनेगा भाई, 0 2 पे बनेगा, खत्म काम, इज इट ओके, निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर है, 2 मीटर से क्या लेंथ निकाल सकते हो, 2 मीटर से क्या निकाल सकते हो, ये दूरी निकाल सकते हो, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, 2 मीटर से ये वाली दूरी निकाल सकते हो, जितनी दूरी होगी उतनी दूरी ये हो जाएगी, ये दूरी पता के चल गई, तो एंगल पता है भी, दूरी चली पता चल जाएगी, ठीक है, निकाल भी सकते हो, लो निकाल लेते हैं, 2 मीटर है तो ये दूरी बताओ कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर है, हाइपोटेनस की तरह काम करेगा, ये परपेंडिकुलर है बेस, तो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ, हाइपोटेनस पता है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या निकाला है, ये देखो ये 90 डिग्री बना है ना, तो जिसके साथ 90 डिग्री बनता है ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, सॉरी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये सॉरी ये बेस हो गया यार, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या निकालेंगे, साइन 45 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है निकालना है, हाइपोटेनस क्या दिया गया है इसका 2, तो P क्या हो जाएगा, 2/√2, इज इट ओके, तो ये क्या है, 2/√2, ए 2/√2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, ए 2/√2 है तो ये वाला 45 डिग्री है तो निकाल लोगे, ये 90 डिग्री है ये चाहिए तुम्हारा, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये क्या मान लो, 90 डिग्री है तो ये क्या मान लो, बेस, ये क्या मान लो, बेस मान लो,
तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालना है हमको, हाइपोटेनस निकालना है हमको, क्या पता है भाई, परपेंडिकुलर पता है। तो साइन 45 इजकल टू परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनस, 2/√2 अपोन हाइपोटेनस, अपोन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो चाहिए, क्या चाहिए, हाइपोटेनस नहीं चाहिए, इसके लिए तो हाइपोटेनस की तरफ भी आप कहता है चीज कल टू 2/√2 × 1/√2। 45 का क्या वैल्यू होता है, √2 से √2 गए तो इसके आ गया 2 आ गया, तो अपने आप 2 ए आ गया कि नहीं, यार डिस्टेंस वाई में भी 2 आ गया, तो 0 कोऑर्डिनेट 2 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीका से तुम लोग क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, मैंने ट्रिक बता दिया, डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते हो, इस तरह से निकाल भी सकते हो, रिलेशन निकाल करके क्या लगा सकते हो, इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है, समझ में आई। मैंने यहाँ पर इसको क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, परपेंडिकुलर मान लिया, ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, बेस, हाइपोटेनस इसको मान लिया, ठीक है। यहाँ पर साइन 45 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन 2, परपेंडिकुलर अपॉन 2, यहाँ से परपेंडिकुलर 2/√2। अब जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ए हो गया, ठीक है भाई, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ए हो गया। अब इसके लिए मैंने इसको बेस मान लिया, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। साइन 45 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 2/√2, हाइपोटेनस पता करना है, ठीक है। तो एच इधर जाएगा तो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2, √2 से √2 का से तेज के आ गया 2 मीटर आ गया, तो ये 2 मीटर आ गया, तो 0 कोऑर्डिनेट 2 हो गया, डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हो। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, 45 डिग्री का बस कॉन्सेप्ट देना, एक क्वेश्चन और करो 45 डिग्री पे, तुम लोग जल्दी से अपने से एक क्वेश्चन और करो। यहाँ पर रखा गया है प्लेन मिरर, ये जो है ऑब्जेक्ट रखा गया है −2√2 और 0 पे, तो बताओ ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, बताओ इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है 0√2 पे कहाँ बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ, ये 45 डिग्री सिमेट्री है, मतलब इमेज कहीं सी बनेगा, जितना दूर ए है उतना ही दूर यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर वाई क्या होता है 2√2 और एक्स क्या होता है 0, तो 0, 2√2 जब माइनस में, क्योंकि नीचे माइनस होता है, खत्म का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है भाई। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, इसी तरह से बनाओगे सिमेट्री जहां भी रहेगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट, जितना एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतना ही एंगुलर डिस्टेंस पे इमेज, मतलब इमेज इसी पे बनेगा। अब पता है जितना डिस्टेंस वे पे है जितना डिस्टेंस वो पे होगा, इसका मतलब ए एंगल सेम है, ए एंगल सेम है, ए दोनों एंगल 90 डिग्री है और ए डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब ए डिस्टेंस भी सेम होगा, कंग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसका मतलब ये 2√2 है तो ये भी 2√2 होगा, यहाँ से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मार दिया करो, उसे निकाल भी सकते हो रिलेशन लगा करके। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके इन सब क्वेश्चन को कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सपोज अलग तरह के क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चन। मान लो मिरर रखा गया है यहाँ कहीं, मिरर कहीं यहाँ रखा गया है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, ठीक है, मिरर कहीं यहाँ रखा गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इधर रखा गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इधर, कितना पे, 2 पे, कितना पर रखा गया है, 2 और 0 पे रखा गया है, −2, −0 पे रखा गया है, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा और क्या बनेगा, उसका पोजिशन क्या होगा, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। मैंने बताया था क्या करो, मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, मैंने क्या बताया था, मिरर को थोड़ा क्या करो, एक्सटेंड कर दो, ए 45 डिग्री है तो ए भी 45, ए 45 है तो ए भी 45 है, ये तो इजी हो चुका है बेटा, ये क्या हो चुका है, क्वेश्चन इजी हो चुका है। तो बताओ ए क्या दिख रहा है, अब ये दोनों क्या दिख रहा है भाई, सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं, तो जितना एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना एंगुलर डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज। बस क्या होगा अंतर, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, तो 2 −2, 0 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0, −2, खत्म का, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों सेम है और ये दोनों एंगल सेम है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, खत्म काम। तो −2, 0 है तो 0, −2 इजी। अगर अदर एंगल दिया रहे तो अदर एंगल से भी बना सकते हो ज्योमेट्री लगा करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेना ट्राई अपने से, एक क्वेश्चन अपने से घर पर ट्राई कर लेना, ठीक है। लो कर देते हैं क्या भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, ए 30 डिग्री रहेगा, ये क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं होगा, अब यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है। तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा,
और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब बनाना है इसका इमेज, इसका क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ प्रीवियस, पहला क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है। ये 30 डिग्री है तो इधर 30 डिग्री पर बना क्या भाई, इसका इमेज बनाना, 30 डिग्री पर इमेज बनाना, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन लगा लेना, ठीक है, निकालोगे इसको अपने से कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, इसको अपने से कर लोगे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया उसी के बेस पर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने से कर लोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अपने से भी कुछ करने चाहिए। मैं क्या हिंट दे रहा हूँ, ये 30 डिग्री है, ये 2.0 है, मतलब ये 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, इसका मतलब ये 2 मीटर मतलब कि क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था कि ये 2 मीटर की दूरी है, ये 30 डिग्री पर है, इसका इमेज भी कहाँ बनेगा भाई, 30 डिग्री पर ही बनेगा, यहाँ से 30 डिग्री पर है तो इससे कहाँ बनेगा भाई, 30 डिग्री पर ही इमेज बनेगा, या फिर नहीं तो पहले परपेंडिकुलर ही खींच लो, कहीं इमेज यहाँ बनेगा और ये भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री ही होगा, इसी का पोजीशन निकालना है, ख़त्म काम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये टोटल 60 डिग्री है, ए 2 है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी क्या होगा 2 मीटर होगा, ये 2 मीटर है क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, दोनों साइड सेम है तो ये दोनों भी साइड सेम होगा, तो 2 मीटर तो इसका निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे यार, ये 60 डिग्री है तो एक्स पर कितना जाएगा, ये एक्स पर कितना जाएगा, ए 2 है तो 2 cos 60, वाई पर कितना जाएगा 2 sin 60, बस मतलब क्या रहेगा कि इस क्वाड्रेंट में थर्ड तो ये दोनों माइनस में रहेंगे, ख़त्म काम हो चुका है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना ये भी माइनस ये भी माइनस में, इज इट ओके भाई, ये 60 डिग्री होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, चाहे उस कॉन्सेप्ट से देख लो, ये एंगल ए साइड जितना उतना ए साइड है, एंगल जितना है उतना एंगल है, इसलिए ए साइड सेम होगा, या फिर नहीं तो जितना एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही एंगुलर डिस्टेंस पे क्या बनेगा इमेज, इससे भी देख लो, ये दोनों एंगल सेम है, दोनों साइड सेम है, मतलब ये दोनों साइड भी सेम होगा, इज इट ओके, तो दो हो गया, तो एक्स पर कितना बनेगा इसका, एक्स पर कितना बनेगा, एक्स पर कितना बनेगा तो 2 cos 60, एक्स पर कितना बनता है 2 cos 60, और वाई पर कितना बनता है t sin 2 sin 60, क्यों, बिकॉज एक्स इज अ बेस, और बेस पर कितना, बेस पर कितना होता है हाइपोटेनस, और बेस और एंगल में क्या रिलेशन होता है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कोस थीटा, तो बेस इज इक्वल टू 2 cos 60, ठीक है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन देता है, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन देता है, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू एच साइन थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 sin 60 हो गया, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, तो दोनों का कोऑर्डिनेट आ चुका है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, इसको करवा दिया मैंने, आप लोग भी कर लोगे इसको, अब cos 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू रख करके इसको कर लोगे, तो ये क्या कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करें, तो अभी तक जो भी बातें हो रही थी पॉइंट ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में मेरे बच्चों बातें हो रही थी, किसके पर्सपेक्टिव में बातें हो रही थी मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में बातें हो रही थी, अब किसके पर्सपेक्टिव में बातें करेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग छोटी सी बात है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एक्सटेंडेड या सिंपल लाइन ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा मेरे छोटू लोग, ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल फॉर्मेशन, ये मेरा मिरर, कैसा मिरर, प्लेन मिरर, बोलना रे बेटा कैसा मिरर मेरे बेटा, प्लेन मिरर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा रहना चाहिए छोटू, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, कैसा ऑब्जेक्ट रहना चाहिए छोटू, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसका इमेज बनाते हैं कुछ नहीं, जितना दूर ए पॉइंट होगा, मान लेते हैं क्या है ए और बी है, इसका नाम क्या है ए बी, तो जितना दूर ए पॉइंट होगा उतना ही दूर क्या होगा इमेज होगा इसका कि नहीं होगा, मान लेते हैं ए पॉइंट है ए इतना दूर, तो इसका इमेज कहीं ए डैश बन गया यहाँ पर, इज ओके, इज इट ओके, अब ए पॉइंट जितना दूर है, अच्छा कितना बन सकता है भाई, इन्फिनिटी, इसके बीच में बहुत सारे इमेज बन सकते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट का इमेज डायरेक्ट बन सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट मिल जाए, दोनों को मिला देंगे तो हमको लाइन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, दो सफिशियंट है, एक इनिशियल एक फाइनल पॉइंट का इमेज, इनिशियल पॉइंट ए का ए डैश और फाइनल का सेम क्या करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे मिरर से, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज, तो क्या बन गया इसका बी डैश बी का, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया बेटा लोग, इमेज बन गया कि नहीं बना है ए बी का ए डैश बी डैश, इमेज फॉर्मेशन, इसको लिखना है हेडिंग, इसको हटा देते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अब देखते हैं इमेज का लाइन रे डायग्राम से देखते हैं, किसे देखते हैं रे डायग्राम, सिंपल रे डायग्राम से देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, तो कितनी चीज़ की जरूरत होती है दो रे की, तो एक रे यहाँ से आई है ऐसे, अगर मिरर नहीं होता तो कहाँ से आती दिखती,
यहाँ से आती दिखती है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन एक एक ये हुआ। दूसरा एक 90 डिग्री पर ले जा रहे हैं तो ये सीधे गई, अगर नहीं ऑब्जेक्ट नहीं रहता मिरर तो कहाँ से आई दिखाई देती, डायरेक्ट से यहाँ से आती दिखाई देती, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन ये यहीं पर मिलेगी, ये दोनों एक दूसरे से यहीं पर, इस पॉइंट का इमेज यहीं पर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। चाहे दूसरी बात करें तो परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जाती है तो जिस पास से जाती है उसी पास से वापस चले, लेकिन आती ही कहाँ से दिख रही है, यहाँ से आती हुई दिख रही है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। ठीक है भाई, सेम टू सेम इस वाले केस को देख लेते हैं। एक लाइट इधर से गई, आती कहाँ से दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ से दिखाई दे रही है। ठीक है, मिरर नहीं रहता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती, यहाँ से, लेकिन मिरर है इसलिए यहाँ से आ रही है और ऐसे बाउंस बैक हो जा रही है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन एक कहाँ बनेगा, यही बनेगा। चाहे एक और बना लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ले जाते हैं, परपेंडिकुलर कैसे जाएगी, हो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी तो वापस चली आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन लग रही है कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, मतलब यहीं पर लग रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब एक इमेज यहीं पर बनेगा बेटा। इज इट ओके? तो ये क्या है, इसका रे डायग्राम है, तो ए बी का ए बी ए डैश बी डैश इमेज फॉर्मेशन हो गया। इज इट ओके? क्लियर होगा सभी लोगों को? आई थिंक क्लियर होगा, कि कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना बेटा, छोटी छोटी बातें हैं जिसको दिमाग में रखना है। इज इट ओके टू एवरीबडी? नाउ नेक्स्ट, ठीक है हो गया, नेक्स्ट और एक इमेज बना लेते हैं, हो गया हटा देते हैं, एक तो सीधा सीधा था तो ये तो आ गया, एक थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। मान लो ये क्या है, मिरर है मेरे बेटा, मेरे बच्चों, चल बेटा बोल, ये मिरर है? हाँ मिरर है सर। क्या है सर? मिरर है, बिल्कुल सर, आप बात सही कर रहे हैं, मिरर है, हाँ मिरर है। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरह से कुछ, अब लोचा है ना यार, लोचा नहीं है कॉन्सेप्ट, हमको पता है, छोड़ो, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज बनेगा परपेंडिकुलर, इसका नाम है ए बी, बना दे। अब जितना दूर पे ए है, पॉइंट ए है, मैंने बताया कि किसी भी लाइन ऑब्जेक्ट का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत, सिर्फ दो पॉइंट की जरूरत, इनिशियल एक फाइनल पॉइंट, ठीक है, दोनों को मिला देंगे इमेज बन जाएगा। जितना दूर पे वो ए है उतना ही दूर पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इसका बनेगा शू शू ए डैश बन गया, क्या बन गया, ए डैश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जितना दूरी पे ए है उतना ही दूरी पे ए डैश, जितना दूरी पे बी है बेटा उतना ही दूरी पे बी डैश, समझ में आती है कि नहीं आती है मेरी बात, इसे माप लोगे यार, थोड़ी सी और दूर कर दो, ठीक है, ए बी डैश दोनों को मिला दे क्या, इनिशियल फाइनल पॉइंट को, तो इसका क्या बन चुका है मेरे बच्चों, इमेज बन चुका है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेम तरीका, सीधा सा तरीका है, जितना दूरी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ए पॉइंट, इमेज बन गया इस पॉइंट का, जितना डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर यहां से डिस्टेंस पे ए पॉइंट है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ए पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज बन गया। अब दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का इमेज बन गया तो लाइन ऑब्जेक्ट बनाना आसान है, दोनों को मिला दो, खत्म कर, ये तरीका। इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, चल बेटा एक यहां से ए से एक लाते हैं, अगर मिरर नहीं रहता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती लाइट मेरे बच्चों, ए पॉइंट से आती हुई दिखाई देती, लेकिन मिरर की वजह से कहाँ से आ रही है भाई, यहाँ से आ रही है और ऐसे चली जा रही है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ओके। और एक लाइन चाहिए क्या, एक और ए चाहिए क्या, अरे 90 डिग्री पर ले जाते हैं, आसान सबसे वही है। अच्छा ए नहीं रहता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती, उस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती, तो यहाँ पर मीट होती हुई दिखाई देगी कि नहीं दोनों, तो इसका मतलब ए पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ बनेगा, ए डैश यहीं पर बनेगा, ठीक है भाई। इज इट ओके? या फिर नहीं तो यहाँ गई तो 90 डिग्री पर वापस आएगी, आती हुई कहाँ से दिखाई दे रही है, उस पॉइंट से, तो दोनों एक ही जगह से आती हुई दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, ए भी और ए भी, इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा, दो रे की जरूरत होती है। सेम टू सेम इसका भी, बी से क्या ले जाते हैं, एक थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा मिरर नहीं रहा था कहाँ से लाइट आती दिखाई देती, यहाँ से दिखाई देती, लेकिन मिरर की वजह से कहाँ आ रही है, यहाँ से, और ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चली जा रही है, कुछ इस तरह से चली जा रही है। एक रे चली गई यहाँ, एक रे की और जरूरत है, एक रे को परपेंडिकुलर ले जाऊँ, आसान तरीका वही है।
अगर ये नहीं रहता तो कहाँ से लाइट आती हुई दिखाई देती, यहाँ से दिखाई देती है। लेकिन मिरर को रहने की वजह से लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है और वापस चली जा रही है 90 डिग्री पे, ठीक है। इसलिए इमेज का फॉर्मेशन बी पॉइंट का यहीं पर होगा, दोनों को मिला दो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, लाइन ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या तरीका है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मैंने टिल्ट कर दिया, सिंपल सा तरीका है। तो इमेज का फॉर्मेशन है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके, कोई दिक्कत परेशानी सबब की बात है कोई नहीं, ठीक है। जो भी परेशानियाँ होंगी दिक्कतें होंगी कॉमेंट में एक बार लिख देंगे, मैं उसको सॉल्व आउट करने का प्रयास करूँगा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको उतार लें एक मिनट पॉज कर करके, ठीक है। अब थोड़ा क्लॉक प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या वो देख लेते हैं, क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक के क्वेश्चन कभी कभार दे देते हैं नीट वीट में, तो क्या है भाई क्लॉक प्रॉब्लम्स, इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा, पहले सिंपल सा बना देते हैं। मान लो ये क्या है, मिरर है, इधर क्या रखा गया है, क्लॉक है रखी लगाई गई, इसमें कितना टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है, छोटू लोग कितना बज रहा है, वो 9 ना, 9 बज रहा है, बताओ इसमें 9 बज रहा है तो इसका इमेज में कितना बजेगा, इसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा कितना बजता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सा बात है यार, एक एक गोला है तो गोला भी इधर भी दिखेगा बना हुआ, एक गोला है तो घड़ी गोली इधर भी दिखाई देगी। अब जितना दूर ऑब्जेक्ट, जितना दूर ए पॉइंट है उतना ही दूर ए पॉइंट बनेगा, ओबियस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर में बताया था हर पॉइंट का क्या करना है, हर पॉइंट से क्या करना है, जितना दूर पॉइंट होगा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा उतना ही इमेज के लिए वो क्या करेगा, राइट साइड में उतना ही परपेंडिकुलर दूरी ले जाएंगे, ठीक है। इतना दूरी है तो राइट साइड में भी इतना ही दूरी होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का इमेज बन चुका है, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज बन चुका है। अब जितना दूर ए है उतना ही दूर ए भी बनेगा, और पास में इसको बना लो और इसको और पास कर लो ताकि समझ में आ जाए, ए है, हाँ अब ठीक है, ये है और मेरे बच्चों ए है, ठीक है, घड़ी बन गया है, बड़ा छोटा नहीं, ठीक है। तो जितना दूर ए पॉइंट है मिरर से उतना ही दूर मैंने ये पॉइंट बना दिया, अब जितना दूर ए पॉइंट है उतना ही दूर ए भी बनाना पड़ेगा, कुछ यहाँ बनेगा, इधर को मिला दो। अब जितना दूर ए पॉइंट है मिरर से उतना ही दूर ए पॉइंट भी बनेगा, कुछ इसको भी मिला दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना दिखाई देगा बचता हुआ, 3 बचता हुआ दिखाई देगा, 3 बचता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, हर पॉइंट का जितना दूर ऑब्जेक्ट, हर पॉइंट जो कि बिहेव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, हर पॉइंट यहाँ का जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इस मिरर से जितनी दूरी पर रखा गया परपेंडिकुलर दूरी पे, इस मिरर से परपेंडिकुलर दूरी पे उतना ही दूर उस पॉइंट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस पॉइंट का इतना ही दूर इमेज बन गया, इस पॉइंट का यहाँ से इतना ही दूर इमेज बन गया, और इस पॉइंट का भी जितना दूर मिरर से है ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज बन गया, तो इसमें कितना बचता हुआ दिखाई देगा, 3। ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ अलग टाइप का दे दे तो, जैसे उसके लिए ट्रिक है, दो तरीका मैं बताऊंगा बनाने का। एक तरीका क्या है, मान लो सपोज हो रहा है टाइम 4:45, घड़ी में 4:45 और 25 हो रहा है, 4:45:25, 4:45:25 किसी घड़ी में टाइम हो रहा है, तो बताओ इसका इमेज फॉर्मेशन बताओ। तो इसका तरीका क्या है, 12 में से घटा देना, 12 पहले लिख लेना, 12, तो इसको कैसे लिखते हैं, 12:59:60, इसी तरह से लिखते हैं ना, 1:1 कैरी होता है, पढ़े होगे छोटे क्लास में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12:59:60, 12:59:60। अब इसमें से क्या करो, इसको घटा दो, बस खत्म काम, इसके इमेज में बचता हुआ टाइम दिखाई देगा। 10 में से 5 घटा 5, 10 में से 5 घटा 5, 5 में से 4 घटा 1, 9 में से 5 घटा 4, 5 में से 4 घटा 1, 12 में से 4 घटा 8, मतलब इमेज में कितना दिखाई देगा बचता हुआ, 8:14:15 दिखाई देगा। तो क्या करना है, बस सिंपल सा तरीका, 12 में से घटा देना है, ठीक है। 12 आवर को ऐसे लिख लेना है, 12:59:60, तुम लोग जानते होगे छोटे क्लास में पढ़े होगे, कैरी लेते हैं 1:1 ना,
इसमें से एक करी लिया तो 59 हो गया, इसमें एक करी गया तो क्या बन गया 60 बन गया। 60 बनता है, 60 सेकेंड का होता है ना होल, 60 बनता है एक करी लेता है तो। ठीक है, इजी टू गेट टू एवरीबॉडी, ठीक है ना। 12:59 नहीं, 11:59 ना लिखते हैं, सॉरी यार, 11:59:60 12 लिख दे तो 1 बजेगा, 11:59 ना तो 7 बजेगा, ये कितना दिखाई देगा 7 बजते हुए दिखाई दे, एक एक कैरी लेना गाना भाई। तो एक क्या 11:59:60 ना, 11:59:60, ठीक है इस तरह से, ठीक है इजी टू गेट टू एवरीबॉडी। ठीक है, 12 को ऐसे लिखेंगे ना, 11:59:60, 12 में से एक कैरी लिया तो 11 हो गया, ये हो गया 59, ठीक है, एक कैरी ये लेगा तो ये बन जाएगा 60, ठीक है ऐसे होता है। 7:14:15 होता हुआ दिखाई देगा, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, ओके ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि पेज से मैं समझा रहा हूँ, दूसरा तरीका है कि मैं पेज से समझा रहा हूँ, एक पेज ले ले रहा हूँ, रुको बच्चों उससे क्लियर हो जाए। सर ये पेज है, सपोज जितना बज रहा है घड़ी में, ये तरीका भी है एक, जितना घड़ी में बज रहा है, मान लो ये घड़ी हो गई, कितना हो रहा है वो टाइम, 4 बज रहा है, इसका मतलब 3 यहाँ होता है और 4 कुछ यहाँ होता है, ठीक है 4 कुछ यहाँ होता है, 4:45 हो रहा है, मतलब मेरे आवर का घड़ी कुछ यहाँ होगा, ये आवर का घंटा इधर होगा, ठीक है 4:45 हो रहा है मतलब 8:09 कुछ, 4:45 मिनट की कहाँ होगी 45 पर होगी, ठीक है, और सेकेंड वाली क्या होगी, कहाँ होगी 4:45:45 सेकेंड वाला कितनी होगी, मान लो 45 सेकेंड पर ही होगी, कितनी होगी 45 सेकेंड के आसपास ही, ठीक है कहीं भी, ठीक है 45 सेकेंड पर ही। तो कैसे करेंगे इसको, बस क्या करेंगे, स्तर जितना हो रहा है जैसे बनेगा, एक बार घड़ी का फिगर दिया रहता है, अगर दिया रहे तो इस तरह से बना लो शॉर्टकट, जैसे दिखाई देगा उसको पलट करके देखो, पलट करके कितना दिखाई देगा उतना ही उसमें इमेज बनेगा, तो पलट करके तो देखोगे तो कितना बचता हुआ दिखाई देगा, ए आवर था ना, ए आवर है और ए मिनट है, देखो कितना दिखाई देगा, ए आवर है ना, यहाँ पर 7 बजता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं बजा, 6:01 या 7 बजता हुआ दिखाई दे रहा है, 7 बज करके, ठीक है 14 मिनट दिखाई देगा, 7 बजता हुआ, ये देखो 14:15 पर दिखाई दे रहा है, मतलब 14:45 दिखाई दे रहा है, 14:15, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो जादू देख छोटू, जादू पास में देख, क्या कर कि इस घड़ी पे बना ले, क्या बना इस सामने घड़ी बना ले, क्या हो रहा है भाई, क्या है 4:45:25 मतलब 4 और 5 के बीच में रहेगा, 4 और 6 के बीच में, 4 6 के बीच में 5 बजता है, यहाँ 5:45 मतलब यहाँ 45 मिनट, 4:45 45 सेकेंड मतलब इसी पर रहेगी सेकेंड वाली भी घड़ी। अब क्या करना है, बस इसका देखना है अगर इमेज फॉर्मेशन, तो इसको पलट करके देख लो, क्या करो इसको पलट करके देखो, पलट करके देखोगे तो यहाँ क्या 4 की जगह क्या बजता हुआ दिखाएगा 7 दिखता दिखेगा कि नहीं, 7 बज रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहाँ कहाँ दिखेगा 14 पर दिखाई देगा, और ये कहाँ दिखाई देगा 14 दिखाई देगा, दूसरा 15 सेकेंड तो हमेशा 15 पर दिखाई देगी, ये थोड़ा सा 15 से आगे 14 दिखाई देगी, तो ये भी एक तरीका है, क्या है ये भी एक तरीका है, क्या करो कोई भी चीज़ें जैसे राधा कुछ दिखाई दे, राधा लिखा है तो राधा दिख रहा है ना, राधा लिखा है तो क्या करो इस पर पेज पे क्या लिख लो बेटा, राधा, क्या लिख लो पेज पे राधा, लिख बेटा राधा, अब राधा को इमेज देखना है तो राधा जी का इमेज कैसे देखेंगे छोटू लोग, पीछे ऐसे देख लेंगे, राधा का इमेज अब दिखाई दे रहा है, ठीक है राधा का ऐसे इमेज देखेगा, ऐसे इमेज बन गया दिखते, ठीक है तो किसी चीज़ का इमेज देखना है तो उस पर क्या करो, सामने उसका फिगर बना लो पेज पे और उसके पीछे जस्ट देख लो, ठीक है एकदम करेक्ट एकदम इमेज उसका बन जाएगा, ठीक है तो इसके भी तरीका एक है, दो तरीका, 12 से घटा दो या फिर नहीं तो पेज वाला भी तरीका बेस्ट है, ठीक है मेरी बात समझ में आई, पेज वाला तरीका भी बेस्ट है, ठीक है तो एक लोग प्रॉब्लम हो गया, दो मैंने तरीका बना दिया, या फिर कोई नाम लिखा है तो प्रॉब्लम होगी तो इसको पेज पर ही देख लो, जो दिख रहा है शायद सीधा सीधा उतार लो, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। नेक्स्ट क्लोक प्रॉब्लम हो चुका है, इसमें कुछ खास नहीं होता, यही सब चीज़ें होती है छोटी छोटी, उसको लिख लोगे, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है तो और प्रॉब्लम करेंगे कुछ, ठीक है कुछ प्रॉब्लम और करेंगे इसके ऊपर, चलो।
फील्ड ऑफ व्यू के बाद बताएंगे, उसके पहले कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लो इजी देख लो, मान लो सपोज एक मिरर है, क्या है एक मिरर है, यहां एक लड़का खड़ा है, क्या खड़ा है एक लड़का खड़ा है, क्या मेरे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है मिरर के सामने, उसकी हाइट क्या है एच है, हाइट कितनी है एच है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड द लेंथ ऑफ मिरर सो दैट द बॉय कैन सी हिमसेल्फ, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ मिरर सो दैट द बॉय कैन सी हिमसेल्फ, क्या कर सके इस मिरर का उतना लंबाई बताओ, उतना लेंथ बताओ जिसमें कि ये बच्चा क्या कर सके अपने लेंथ को कंप्लीटली देख सके, तो क्या होगा भाई कैसे करेंगे, चलो करते हैं प्रॉब्लम को। तो इसका क्या है, इस बंदे का, इस बालक का पैर कहाँ है, यहाँ पर है, ये हो गया पैर, और यहाँ पर क्या है इसका आँख है, ऐसा होगा क्या, नहीं आँख तो कुछ नीचे नहीं रहता है, लेकिन मान कर चलते हैं कि आँख कहाँ है ऊपर है, ठीक है भाई, नेचर का फिजिक्स में कुछ एजम्पशन लेकर चलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं आँख इसका ये है बेटा, देख आँख कभी सर के ऊपर रहेगा क्या रे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर है बेटा, और इसका पैर कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये इसका इमेज बनाए, ये क्या देखेगा अपने इसके पैर का इमेज दिखेगा, इसके पैर का इमेज दिखेगा यहाँ पर, जितना दूर ये रहा होगा उतना ही दूर इसके पैर का इमेज दिखेगा, और इसके हेड का भी इमेज, ठीक है, कुछ यहाँ ही बनेगा, मतलब इसका इमेज कुछ ऐसे ही बनेगा, लाइन ऑब्जेक्ट की तरह है ना बॉय, इस तरह से दिखेगा। तो अब देखते हैं कैसे बनता है पैर का इमेज। अच्छा, दोनों रे कहाँ चाहिए, इसके आँख तक, आँख ही से देखना है इस लड़के को, दोनों रे इसके आँख तक आनी चाहिए, तो बना लेते हैं। तो आ कहाँ से रही है, अच्छा मिरर ध्यान से उसे ही बनाएंगे, आसान है, मिरर नहीं रहता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती, पैर के लिए पहले कहाँ से दिखाई देती ये रे आती हुई, यहाँ से आती दिखाई दिखाई देती, ठीक है, यहाँ से दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती आती हुई, ठीक है, कहाँ से दिखाई देती, यहाँ से आती हुई दिखाई देती, लेकिन मिरर रहने की वजह से कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से, ये आसान तरीका है बनाने का, ठीक है, फिगर फिट का ये बन गया ना, क्या मैंने कहा, मैंने क्या कहा बच्चा कि अगर मिरर नहीं रहता तो इसका इमेज ही बन रहा है ना, मतलब कि यहीं से रे आती हुई दिखाई देती, यहीं से रे आती हुई दिखाई देती, लेकिन मिरर होने की वजह से यहाँ से रे आ रही है, इसके लेग के यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर के इसके आँख तक चली जा रही है, तो ये किसका बन गया इमेज, इसके पैर का, दूसरा इसके क्या बना रहे हैं सामने, हेड का ही बना रहे हैं सामने, क्योंकि इसके हेड को देखना है, अपने हेड को देखेगा सामने, तो सिंपल सा तरीका है, इसको परपेंडिकुलर यहाँ से लेते जाओ, अच्छा ये नहीं रहता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती, यहाँ से आती हुई दिखाई देती, यहाँ से आती हुई दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन नहीं पूरा, चाहे ए है तो ये कैसे आ रही, जैसे आ रही उसी रास्ता से वापस चली जा रही 90 डिग्री पर, तो लग रहा है कहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, इसलिए इस पार्ट का उसके हेड का इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, वहीं पर होगा, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, ओके। अब बनाते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल लो, ए थीटा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ए भी थीटा होगा, ए थीटा है, ए थीटा है, ए जितनी दूरी है उतनी दूरी है, या फिर ए थीटा है परपेंडिकुलर है, दोनों दूरी सेम होगी कि नहीं होगी, मतलब ए भी एच बाई टू होगा और ए भी एच बाई टू होगा, बहुत सारे लोग बहुत ज्योमेट्री लगाते हैं, मैं देखो उतना नहीं लगाऊंगा, सिंपल से तरीका है, पर ए लाइन सीधी है, ए थीटा है तो दोनों ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब ए एच बाई टू एच बाई टू होगा, जब ए एच बाई टू होगा बेटा तो ए भी एच बाई टू होगा, इतना में ही तो देख रहा है ना ये लड़का अपने इमेज को, इतना ही मिरर में, इससे कोई मतलब है क्या, कोई मतलब, इसको मिटा देते, इससे कोई मतलब, यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है क्या, नहीं, इसके पैर का इमेज यहाँ बन रहा है, इसके इसके सर का इमेज यहाँ बन रहा है, इसके पैर का इमेज यहाँ और सर का इमेज यहाँ, मतलब कि यहाँ बन रहा है ना, देख इतना में ही रह रहा है वो, मतलब इतना ही लेंथ जरूरी है कि नहीं मिरर का, इतना ही लेंथ मिरर का जरूरी है, तो क्या हो गया इसका आंसर एच बाई टू, बहुत तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन मैं शॉर्टकट करता हूँ उसको, ठीक है, मेंस की थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ों को शॉर्ट लेकर चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ए एच है पूरी हाइट, ए दोनों एंगल थीटा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो एच बाई टू, ए क्या है सीधा लाइन है एच बाई टू, तो एच बाई टू तो भी एच बाई टू, क्योंकि पैरेलल लाइन है इसके खत्म का, ये भी पैरेलल है, ठीक है, बाई टू, मतलब कि कितना होना चाहिए मिरर का लेंथ, कितना होना चाहिए h बाई टू होना चाहिए, मतलब आधा
हाफ होना चाहिए, इसके हाइट का हाफ होना चाहिए, तो अपने कंप्लीट इमेज को क्या कर लेगा, उस मिरर के अंदर देख लेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मस्त क्वेश्चन था, इज इट ओके टू एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इजी नंबर टू, मस्त एग्जांपल है, इजी नंबर टू इस टॉपिक का, ध्यान से सुनो। एक मिरर है, क्या है, एक मिरर है मेरे बच्चों, क्या है, एक मिरर है। यहां पर एक लड़का खड़ा है लंबा सा, और यहां पर एक बीच में लड़की खड़ी है। कहां पर खड़ी है लड़की, बीच में लड़की खड़ी है। लड़के की हाइट h और लड़की की हाइट मान लेते हैं कितना है, l है, l है, ठीक है, आसान से मैं बताऊंगा। लड़की की हाइट l, मान लेते हैं कि इस मिरर से लड़की जो है एक मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी है। कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, बहुत लोग डी मान के बनाते हैं कुछ, कि मैं एक मीटर, एक मीटर आसान है। और ए बी दूरी कितनी है, एक मीटर, मतलब बीच में लड़की कहाँ खड़ी है, जितना लड़का खड़ा है उतना ही दूर लड़की। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने का प्रयास करेंगे, लड़का लड़की है तो लड़की को देखेगा, लड़की को देखने का प्रयास करेगा, और लड़की किसको देखने का प्रयास करेगी, इस बंदे को देखने की प्रयास करेगी। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बनता है, फाइंड द लेंथ ऑफ मिरर सो दैट द बॉय कैन सी द गर्ल। एक क्वेश्चन क्या है कि मिरर का वह लेंथ बताओ जिसमें लड़का क्या कर सके, लड़की को कंप्लीटली देख सके। एक क्वेश्चन है कि मिरर का उतना लेंथ बता दो जितना लेंथ में मेरे बच्चों ये लड़का जो है लड़की को कंप्लीटली देख पाए। समझ में आ रही है मेरी बातों को, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी ध्यान देंगे। इसका मतलब लड़का किसको देखना चाहता है, लड़की को, मतलब लड़की किस तरह से बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। अब जिसको हमको देखना है वो ऑब्जेक्ट की तरह होगा कि नहीं, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब लड़का किसको देख रहा है, लड़की को, तो लड़की किस तरह से बिहेव करेगी, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसका इमेज को ना लड़का देख रहा है। इतनी बात समझ गई, हमको जिसको मिरर में देखना है, हम जिसको मिरर में देखना चाहते हैं वो किस तरह से बिहेव करेगा, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, और उसका इमेज मिरर में हम देखेंगे। वही केस है, लड़का किसको देखना चाहता है, लड़की को, किसके अंदर, मिरर के अंदर, तो लड़की किस तरह से बिहेव करेगी, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। इज इट ओके टू एवरीवन, आई थिंक ओके। तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो चलो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेना, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट से क्या आएगा, इमेजेज आएंगी। तो एक मीटर की दूरी पर लड़की खड़ी है, तो लड़की का इमेज भी कितना दूरी पर बनेगा, एक मीटर की ही दूरी पर बनेगा। अच्छा, कुछ भी इसको ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक मीटर है तो एक मीटर पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है, इसका इमेज बनेगा लड़की का। अच्छा, डी भी ले सकते हो, पी भी, टी भी, कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई, एक मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए आसान के लिए मैंने एक मीटर लिया है, एक मीटर पर लड़की है तो इमेज लड़की का कितना बनेगा भाई, सेम साइज का एक मीटर पर ही बनेगा, सेम साइज का एक मीटर पर ही बनेगा लड़की का, ए लेंथ का इमेज बन जाएगा। इज इट ओके। अब लड़की को कौन देखना चाहता है, लड़का, तो लड़की ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगी, तो लड़की का इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, रे डायग्राम खींचते हैं, तो लड़की के फीट को देखेगा। सबसे पहले क्या देखना चाहेगा, लड़की के फीट को कौन देखना चाहेगा, लड़का, मतलब कि लड़की का फीट यहाँ है अभी, इमेज जो बनाई, क्योंकि ये लड़का इस लड़की को नहीं देख रहा है, लड़का इसके इमेज को दिख रहा है, लड़का क्या देख रहा है, इसके इमेज को दिख रहा है। तो कैसे दिखाई देगा, अगर मिरर नहीं होता तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती हो, अरे फीट के लिए यहाँ से दिखाई देती हुई, थोड़ा और झुका ले भाई, थोड़ा सा बेटा ध्यान दोगे, हाँ अब सही, अब गुड, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आहा, ठीक है। तो अगर मिरर नहीं रहता, इसी तरह से इमेज बनाओगे आसानी से बनेगा, ठीक है। अगर मिरर नहीं होता मेरे बच्चों, अगर मिरर नहीं होता तो ये लाइट इसको पैर को देखने के लिए, लड़की को, लड़की के पैर से लाइट आती हुई दिखाई देती इसके आंख तक, लेकिन मिरर होने की वजह से कहाँ से आ रही है भाई लाइट, इसकी पैर से लड़की से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के उसके आंखों तक जा रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से आसानी से बनता है ना, इस तरह से आसानी से, कैसे,
ऐसे जिस तरह से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ शुरू से मैं इसी तरह से कर रहा हूँ, तुम भी करना। कैसे? अगर ए मिरर नहीं रहता तो कहाँ से रेल आती हुई दिखाई देती लड़के को, लड़की के यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर इसका इमेज दिखना है ना। एक्चुअल में इस लड़की को ये कहाँ दिख रहा है? इसके इमेज को दिख रहा है, इसके इमेज को, इसको दिख रहा है, इसके इमेज को ये बंदा दिख रहा है, इसके आँख से इसकी इमेज दिख रही है। तो पैर की इमेज अगर इसको दिख रही है तो अगर मिरर नहीं होता तो पैर की इमेज से लाइट आती हुई दिखाई देती कि नहीं देती? लेकिन मिरर की वजह से एक्चुअल में उसके पैर से आ रही है रे ऑफ लाइट, यहाँ बाउंस बैक होकर के उसके आँख तक जा रही है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। इस तरह से ही बनाना। तो पैर देख गया, पैर देख गया, अब क्या देखना है इसको? चेहरा देखना है, सुंदर सा चेहरा लड़की का देखना है। छोटू लोग चेहरा मतलब हेड मान कर चके चलते हैं कि आँख यूं लड़की का यहाँ। अब सर को देखना है छोटू लोग, तो क्या करेगा? रे ऑफ लाइट कहाँ से आती हुई दिखाई देगी उसको? इसके सर से आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इमेज को देख रहा है ना। कहाँ से दिखाई देगी? सर से जाती हुई दिखाई देगी बेटा। थोड़ा सा और टिल्ट कर दे, अब ठीक है, थोड़ा सा और टिल्ट कर बेटा। टिल्ट तो सही है यार, लग रहा है मिस्टेक हम कर रहे हैं। हाँ अब ठीक है, अब बात सही है, पल्ले पड़ी बात, अब बात सही है। ठीक है, मतलब इसको लग क्या रहा है कि कहाँ से इमेज आ रही है? यहाँ से इसको लग रहा है कि इमेज इसके सर से आ रही है, लड़की के सर से आ रही है, क्योंकि उसके इमेज को नहीं दिख रहा है। अगर ध्यान से मिरर नहीं रहता तो कहाँ से दिखाई देती आती हुई रे? इसके सर से। इसको दिख क्या रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअल में लाइट आ कहाँ से रही है? तो इसके सर से आ रही है एक्चुअल में। तो एक्चुअल मिरर रहने के कारण कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ से आती हुई दिख रही है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। एजी टोकेटो एक बार पॉज करके देखना, मस्त वीडियो को समझना। मैंने क्या कहा कि इसके लेग का, लड़की के लेग का इमेज कहाँ बना? यहाँ पर बना, पैर का यही दिख रहा है, इसका इमेज इसको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको जब इसका इमेज दिख रहा है तो इसको लाइट आते हुए दरअसल में कहाँ से दिख रही है? यहाँ से दिख रही है क्या? नहीं, आते हुए कहाँ से दिख रही है? यहाँ से दिख रही है लाइट। लेकिन एक्चुअल में इस मिरर को रहने की वजह से लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आकर के इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर हो रहा है। उसी तरह से इसके सर को देखना है अब इस मिरर के अंदर। इसका सर एक्चुअल में लड़की का इसको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। तो इसको ले लाइट कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? इसके सर से, इस तरह से। लेकिन एक्चुअल में इस मिरर को रहने की वजह से रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? हो यहाँ से आ रही है, यहाँ बाउंस बैक होकर उसके आँख के यहाँ जा रही है। ये बात है, समझ में आई बात? वेरी गुड, आई थिंक समझ में आ गई होगी, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम, क्या निकाला हमको इसका मतलब? मेरे छोटू लोग, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि इसका इमेज जो है लड़की का, इस मिरर के ओर कितने लेंथ में दिखाई देगा बनता हुआ? इतने में ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इससे कोई मतलब है क्या? यहाँ पर कोई बन रहा इमेज? नहीं बना। अच्छा, ऊपर वाला से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना में ही क्या बनता हुआ दिखाई देगा इस लड़की का, मिरर के अंदर इस लड़के को इमेज इतना में ही बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मिरर जिसमें कि लड़की का कंप्लीट इमेज इसको दिखाई दे सके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ बन ही रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इतने में ही लड़की को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसी को पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मिरर को पूछ रहा है। निकालोगे क्या? हाँ ना सर, निकालेंगे। ज्योमेट्री लगाएंगे हो? कैसे ज्योमेट्री लगाएंगे? कैसे ज्योमेट्री लगाएंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल में लगा लेते हैं छोटू लोग। किसमें लगा लेते हैं? बड़ा वाला ट्रायंगल। अच्छा, पोजीशन भी पूछता है, पोजीशन भी, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना उसमें, ए पोजीशन भी। पोजीशन आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर भी, पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर भी पूछता है। मैंने क्या पूछा था? लेंथ ऑफ मिरर, लेकिन पोजीशन ऑफ मिरर भी। सर ठीक है, लेंथ ऑफ मिरर में पोजीशन ऑफ मिरर भी जोड़ लेना। तो चलो करते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना, करते हैं सवाल को। तो बड़ा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि एक कॉमन साइड है, एक कॉमन एंगल है, ठीक है, और एक कॉमन साइड है दोनों के, सॉरी एक कॉमन एंगल है कि नहीं है? कॉमन एंगल है, ठीक है। एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक छोटा वाला ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा, एक क्या कर रहा है? छोटा वाला ये बड़ा वाला के दिख रहा है कि नहीं? सिमिलर दिख रहा है, क्यों? एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल दोनों के लिए कॉमन है, तो कोई दो चीज़ सेम रहता है तो सिमिलर होता है ट्रायंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंगल सेम है, दोनों के लिए कॉमन एंगल है। मतलब ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है किसके सिमिलर है? ये छोटा वाला के लिए, ये छोटा के लिए एक बड़ा वाला क्या है? ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब दो साइड ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके उनके साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा छोटू लोग? मान लेते हैं क्या? कुछ नहीं, ए डिस्टेंस क्या है? एक्स है। किसको क्या मान लेते हैं? एक्स, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बाई एच क्या हो जाएगा, इनका रेशियो एक्स बाई एच इक्वल टू, इसका रेशियो एक्स बाई एच इक्वल टू, इसका रेशियो वन अपोन ए वन अपोन बड़े वाला का क्या है थ्री वन वन टू थ्री, मतलब एक्स क्या आ गया एच बाई थ्री आ गया, एक्स क्या आया है भाई एच बाई थ्री आया है, ठीक है। ये तो दूरी आ गई लेकिन इससे तो ये नहीं निकलेगा, तो एक और क्या कर लो, एक बना लो क्या छोटू लो, एक कंस्ट्रक्शन बना लो, एक कंस्ट्रक्शन बना लो आसानी के लिए, ए एल है ए एच है तो एच माइनस एल बोल होगा, ए एल है ए बूढ़ा एच है तो बचा हुआ डिस्टेंस एच माइनस एल, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते, अब इसमें क्या होगा, ए जो ट्राइंगल है बड़ा वाला ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ए ट्राइंगल जो है छोटा वाला इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दोनों एंगल कॉमन, एंगल दोनों के लिए कॉमन। तो इस केस में क्या होगा, इसको y मान लेते हैं, डिस्टेंस को y, तो y अपॉन में एच माइनस एल इक्वल टू ये कितनी डिस्टेंस है इसके लिए 2, 2 अपॉन में ये पूरा डिस्टेंस 2, पूरा डिस्टेंस 3, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 और पूरी दूरी 3, तो 2 बाई 3, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए 2 और बड़ा ट्रायंगल के लिए 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू एच माइनस एल होगा कि नहीं होगा, होगा एक्स बाई वाई मिल चुका है। अच्छा ये एक्स एच बाई थ्री, तो पोजीशन मिल गया कि नहीं, इस मिरर का पोजीशन ग्राउंड से कितना है एक्स बार ऊंचा, मतलब एच बाई थ्री पोजीशन ही मिल चुका है, क्या मिल चुका है एक लाइन में पोजीशन, मूल पोजीशन क्या है उसका एच बाई थ्री है ना, यहाँ से एच बाई थ्री ऊपर आना चाहिए। एक बात इसका क्या दिख रहा है, हम लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर इतनी डिस्टेंस क्या लिखेंगे, पूरे एच में से एक्स प्लस वाई घटा दें, लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा, लेंथ ऑफ मिरर पूरी हाइट एच है माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई घटा देंगे तो मिल जाएगा एक्स प्लस वाई, एच माइनस एक्स माइनस वाई, एच माइनस एक्स क्या है एच बाई थ्री, माइनस वाई क्या है टू बाई थ्री एच माइनस एल है क्या छोटू लोग बोलो है क्या, इसको यहां पर कर देते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। तो सॉल्व करो h माइनस एच बाई थ्री, सही h ही है नहीं, सही स्मॉल h है क्या, नहीं कैपिटल h है तो कैपिटल h ही लिखो, कहा है स्मॉल h लिख रहे हो, कन्फ्यूज हो जाए हुए, ठीक है। h माइनस थ्री, एच माइनस एच बाई थ्री क्या होता है टू एच बाई थ्री, यहाँ कर ले रहे हैं इसका सोल्यूशन, इसके बाद इतना करना 3h माइनस एच बाई मतलब 2h बाई थ्री, और ब्रैकेट तोड़े तो क्या होगा माइनस 2h बाई थ्री प्लस क्या हो जाएगा 2l बाई थ्री, क्या हो जाएगा 2l बाई थ्री, 2l बाई थ्री होगा ना, माइनस माइनस प्लस 2h से 2h कैंसिल, मतलब 2l बाई थ्री आंसर होगा, मतलब हाइट ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा 2l बाई थ्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2l बाई थ्री। लड़की का कितना होना चाहिए भाई, लड़की का जो इमेज होना चाहिए उसकी लंबाई से कितनी होनी चाहिए 2/3 होनी चाहिए, लड़की की जो लंबाई है उससे मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 2/3 होनी चाहिए, 2/3 मिरर की लेंथ लड़की की लंबाई से 2/3 होना चाहिए, तब जाकर के लड़का लड़की को उस मिरर में कंप्लीटली देख पाएगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, दो सिमिलर ट्रायंगल का मैंने कॉन्सेप्ट लगाया और मैंने क्या निकाल दिया, लेंथ ऑफ मिरर निकाल दिया। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, तो इसको कर करके लिख लेना एक बार दिमाग। मैंने क्या किया, एक बार इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया, एक छोटे वाले को और एक बड़े वाले को, यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से एक्स निकाल लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर किया, यहाँ से y निकाल लिया, y निकालने के बाद मैंने क्या किया, ये निकालना है तो पूरी h दूरी है, h दूरी में से x प्लस वाई घटा देंगे तो वो आ जाएगा h माइनस एक्स प्लस वाई, तो h में से मैं x प्लस वाई घटा दिया तो मेरा क्या आ गया 2l/3 आ गया। इज इट ओके टू एवरीबडी, आई थिंक ओके क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे बच्चों। तो अभी तो लड़की को लड़का दिख रहा था, अब लड़की को लड़के को दिखा लेते हैं, सेम क्वेश्चन इजी नंबर। नेक्स्ट इजी, ये लड़का है पहले, ये मिरर है, क्या है ये मिरर, ठीक है बच्चों ये मिरर है, यहाँ पर
लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है? लड़का। और यहाँ पे लड़की खड़ी है, 1 मीटर और 1 मीटर मिड पॉइंट में खड़ी है। ठीक है, मिड पॉइंट में कौन खड़ा है भाई? लड़की खड़ी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या बनता है, पहला वाला में लड़का लड़की को देखता है, अब लड़की को लड़का को देख रहा है, दोनों देखेंगे तभी तो काम चलेगा, लड़की भी लड़का को देखना चाहती है। तो एक क्वेश्चन बनता है, फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ मिरर सो दैट द गर्ल कैन सी अ बॉय। ठीक है भाई, इन द मिरर। ये क्वेश्चन क्या है कि मिरर का पोजीशन बताओ, कितना दूरी पर है यहाँ से, और साथ साथ में मिरर का वो लेंथ बताओ जिस लेंथ में लड़की लड़के के कंप्लीट इमेज को देख सके। मतलब अब लड़का के इमेज को लड़की देखना चाहती है, तो लड़का किस तरह से बिहेव करेगा मिरर के लिए? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि यदि लड़की लड़के को देखना चाहती है तो लड़का इस मिरर के लिए किस तरह से बिहेव होगा? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव होगा कि नहीं होगा? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव होगा। मतलब इसका इमेज इसके अंदर बनेगा, उस इमेज को कौन देखेगा? लड़की देखेगी। तो ऑब्जेक्ट की तरह क्वेश्चन लिख लिए होगे, इसको मैं हटा दूं। चलो, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका इमेज बनेगा। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर क्या बनना चाहिए? इमेज बनना चाहिए। बना दे, इमेज बन गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। तो क्या हो गया इसका? इमेज बन चुका है। ठीक है, ए का क्या बन चुका है? ए डैश। और ये क्या बन चुका है? बी डैश, इस पॉइंट का इमेज। ठीक है, अब देखो, अब शुरू करते हैं खेल खेलने। ठीक है, आओ भाई मस्तियां करते हैं। लेट अस कम टू द पॉइंट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है लड़की के लिए, लड़की इसके इमेज को देखेगी। लड़की एक्चुअल में इसको देख रही है क्या? इसको नहीं देख रही, इसके इमेज को देख रही है। इसको देख रही है लड़की, किसको देख रही है? इसके इमेज को। मतलब छोटू लो, इसको देख रही है ना? ठीक है, इसका इमेज यहां बन रहा है, उस इमेज को कौन देख रही है? लड़की देख रही है। तो आओ करते हैं सवाल। अगर मिरर नहीं रहता, पहले पैर देखेगी, पहले लड़की क्या देखेगी? इसके पैर को देखेगी। कहां? इस मिरर के अंदर। तो अगर ये मिरर नहीं रहता, अगर ये मिरर नहीं रहता बेटा, तो ये रे कहां से आती हुई लड़की क्या तक दिखाई देती? इसके पैर से, यहां से कुछ। ठीक है, यहां से आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये समझ में आ रही है बातें? मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्या लड़की को? थोड़ा सा और बड़ा कर दे, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा नहीं तो। लड़की को थोड़ा और बड़ा करो, इतना बड़ा करो। ठीक है, ध्यान से सुनो, एच हाइट है, लड़के की हाइट क्या है? एच है। ध्यान से सुनो, लड़की क्या कर रही है? लड़के को देख रही है। मतलब लड़का इसके लिए किस तरह से बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है मिरर के लिए, और उसकी इमेज को कौन देख रहा है? लड़की देख रही है इस मिरर के अंदर। तो पहले, सबसे पहले इसका पैर दिखाई देगा इसको, तो लगेगा क्या? इसके इमेज से यहां से आता हुआ दिखेगा, लगेगा कि रे कहां से आ रही है? इसके आंख क्या है? इसका आंख यहां है, यहां से आती हुई दिखाई देगी, उसके इमेज से आती, तभी तो इमेज को देखेगा भाई। क्लियर? यहां से आता हुआ दिखेगा, लगेगा कहां से आ रहा है इसको, लगेगा कहां से इमेज आ रही है? यहां से आ रही है। लगेगा क्या भाई लड़की को? इसके आंख को क्या लगेगा कि कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। लेकिन एक्चुअल में यहां से आ रही है क्या? एक्चुअल में कहां से आ रही है भाई? इसके इस पैर से आ रही है, क्योंकि इसके पैर का इमेज बना है ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहां से आ रही है। ये बात समझ में आई? आती है सबको? आनी चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये लड़की क्या देख रही है? इस लड़के के इमेज को देख रही है। तो किसके इमेज को पहले देखेगी? पैर को देखेगी, पैर के इमेज को।
तो इमेज से लगता है कि नहीं डायरेक्ट लाइट आ रही है। तो इस लड़की को क्या लग रहा है, इस लड़की के आंख को लग रहा है कि लाइट कहां से आ रही है, इसके पैर के यहां से आ रही है इस तरह से। लेकिन लाइट एक्चुअल में मिरर है, तो कहां से आ रही है, इसके इस पैर से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के लड़की के आंख तक जा रही है। बात समझ में आती है? वेरी गुड। मैंने क्या कहा, बार बार इसी को रिपीट, इससे आसान हो जाता है सवाल, ठीक है। लड़की को क्या लग रहा है भाई, लड़की को लग रहा है पैर देख रही है, तो पैर का इमेज देख रही है, तो लड़की को क्या लग रहा है कि जहां से आएगी ऑब्जेक्ट वही तो दिखाई देगा चीज, जहां से आएगी लाइट भाई वही चीज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। लड़की को क्या लग रहा है, इमेज को देख रही है, लड़की को लग रहा है कि लाइट कहां से आ रही है, इसी पॉइंट से आ रही है इसके आंख तक। लेकिन एक्चुअल में लाइट यहां से आ रही है क्या, नहीं। लाइट कहां से आ रही है, इसके पैर से आ रही है, यहां रिफ्लेक्ट होकर के इसके आंख तक आ रही है, तो इसके पैर का इमेज यहां पर बन गया, ठीक है। अब किसका इमेज देखना चाहेगी लड़की, सर का, पैर देख चुकी है, सर का, सर का इमेज कहां से दिखेगा भाई। अच्छा, लड़की को क्या लगेगा कहां से आ रही है लाइट, इसके बी बी डैश से आ रही है ना, तभी तो इसको देखेगा, इसके इमेज को देख रही है। यहां से कंफ्यूज मत होना भाई, किसको देख रही है, इसके इमेज को देख रही है लड़की, इसको नहीं देख रही, इसके इमेज को। तो लड़की को क्या लग रहा है, लड़की को ये लग रहा है बेटा कि जो लाइट आ रही है इसके आंख के, हाँ, जो रे ऑफ लाइट आ रही है एक्चुअल में कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ठीक है। यहां से आ रही है ना, लड़की को लग रहा है कि यहां से रे लाइट आ रही है इसके आंख के, ऐसा लग रहा है, वो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रहा है, यहां से, क्योंकि देखते हो ना तुम ऐनक में, ऐनक देखो सामने, तो लगता है कि इमेज कहां से लाइट, ऑब्जेक्ट कहां से होता है, क्या जहां ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट आती है क्या तुमको लगता है, नहीं। तुमको क्या लगता है कि लाइट जो है कहां से आ रही है भाई, मेरे आंख के ऊपर कहां से आ रही लाइट, उसी इमेज से आ रही है, जो ऐनक मेरा जो इमेज बना है ना वहां से आ रही है। तो लड़की को क्या कर लग रहा है, इसको लड़की को लग रहा है कि इसके सर को देखना है ना, इसके सर को देखना है, तो इसके सर के यहां से डायरेक्ट इसके आंख में जो है लाइट आ रही है। लेकिन एक्चुअल में आ रही है कहां से, एक्चुअल में तो यहां से आ रही है, जब मिरर है तो कहां से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जा रही है, लड़की के आंख में जा रही है। इसी तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इजी टू गेट टू एवरीबॉडी, इस तरह से सोचना। सबसे बेस्ट एग्जांपल मिरर का है। ऐनक में अपने आप को देखते हो या फिर ऐनक में किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हो तो क्या दिखता है तुमको, ऑब्जेक्ट से लाइट आती हुई दिखाई देती है क्या उस मिरर में, नहीं। तो वो कहां से दिखाई देती है, तुमको लगता है कि उसका जो इमेज बन रहा है वहां से लाइट आती हुई मेरी आंख में दिखाई देती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। वही केस है कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इस लड़की जब देख रही है तो लड़की को इस ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, कहाँ से दिखाई दे रही है, इसके इमेज से आती हुई दिखाई दे रही है। तो हेड को देखना है तो हेड से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, पैर को दिखना है लेग को तो पैर से दिख रही है, जहाँ जिस चीज़ को दिखना है दिखाई देगा, ऐसा अपीयर होगा कि वहीं से लाइट मेरे यहाँ की ओर आ रही है। लेकिन एक्चुअल में मिरर के कारण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तभी तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये बात है, यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, आराम से क्या बना सकते हो, इमेज बना सकते हो। इजी टॉक टू एवरीबॉडी। अब हम लोग बातें करते हैं चीज़ों के विषय में। ए एच है तो ए भी एच है, क्या दूर चाहिए, यही चाहिए कि नहीं चाहिए, यही ना। इतने में ही नहीं लड़की दिख रही है, लड़की इसके इमेज को कितने मिरर में दिख रही है, इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। इससे कोई मतलब है नहीं, इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है। कहाँ तक ये देख रही है लड़की जो है, इस लड़के के इमेज को बस इतना में ही देख रही है कि नहीं मिरर में, मतलब कि यही लेंथ मिरर चाहिए हमको, यही लेंथ ऑफ मिरर चाहिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इतना में ही ये देख रही है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, मान लेते हैं एक्स है और ये मान लेते हैं क्या है, वाई है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक्स है और ये मान लेते हैं क्या छोटू लोग, वाई है। इजी टू गेट टू एवरीबॉडी। और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब सिमिलरिटी लगाने शुरू करते हैं। अब क्या लगाने शुरू करते हैं, सिमिलरिटी इसमें और इसमें। तो एक ट्राइंगल अगर बात करें इस ट्राइंगल की, तो ए ट्राइंगल और ए ट्राइंगल सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अरे कॉमन एंगल है इन दोनों के लिए, ए क्या है कॉमन एंगल 90 डिग्री, है 90 डिग्री, ये दोनों क्या दिख रहा है सिमिलर। तो सिमिलरिटी के लगाते हैं ट्रिक, एक्स अपोन बी डैश ओ इक्वल टू एक्स अपोन बी डैश ओ और इक्वल टू वन है ना, ये दूरी क्या है वन अपोन में, कुछ भी हो कुछ भी ले सकते हो, वन अपोन में ये दूरी क्या है टोटल, ये 2 मीटर पर है तो 2 मीटर पर इसका इमेज भी बनेगा, ये लड़के का इमेज बना था ना। तो क्या पढ़े हैं हम लोग कि प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है 2 मीटर पर, 2 मीटर पर इमेज भी बनेगा इसका, ठीक है। तो क्या हो गया 3 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आई बात है। देखो एक्स अपोन में बी डैश ओ, एक्स अपोन में बी डैश ओ इक्वल टू छोटा वाला ट्राइंगल का 1 मीटर डिवाइड बाई बड़ा वाला ट्राइंगल का 2 1 3 मीटर, ठीक है। मतलब क्या आया, बी डैश ओ क्या आ गया 3x आ गया, क्या आ गया
3x आ गया। उसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं, ठीक है, उसी तरह से किस में देखते हैं, वाई वाले में देख लेते हैं। छोटे लोग कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों क्या है, एंगल दोनों के लिए सिमिलर है, इस छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए ये क्या है, सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये कॉमन है और ये 90 डिग्री बन रहा है, वो भी 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री है वो भी 90 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर है, तो इसमें लगा देते हैं वाई अपोन में, वाई अपोन में ए डैश हो, वाई अपोन में ए डैश हो, वाई अपोन में ए डैश हो, इक्वल टू, इक्वल टू क्या भाई, ए लेंथ कितनी है 1 मीटर, अपोन में पूरी लेंथ कितनी है 3 मीटर, ठीक है, ठीक है ना, y अपोन में a डैश हो इक्वल टू 1 अपोन में पूरा का पूरा 3 मीटर, तो a डैश हो क्या आ गया 3y आ गया, मतलब क्या आया भाई, ये क्या आया b डैश हो 3x और b डैश और a डैश हो 3y, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 3x प्लस वाई, मतलब क्या हुआ भाई, h बराबर क्या आया है 3x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई क्या आया है h बाई 3 आया है बच्चों, x प्लस वाई क्या है h बाई 3 आया है, आया है कि नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चों, आया है, मतलब कि, मतलब क्या है, लड़की, लड़की क्या करेगी, लड़के को कब देख पाएगी, जबकि लड़के, जबकि मिरर जो है, जबकि मिरर का लेंथ लड़के के लेंथ का क्या हो 1/3, लड़की कब लड़के को देख पाएगी कंप्लीटली भाई किसी मिरर में, जब मिरर का लेंथ क्या हो लड़के की लंबाई से 1/3 हो, याद रखोगे, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। अच्छा इसका क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, ये वाली दूरी क्या होगी, निकालोगे पोजीशन, निकालोगे, हाँ यार सिमिलरिटी लगा लो ट्राइंगल में, इसी में बड़ा वाला ट्राइंगल में क्या लगा लो, सिमिलरिटी लगा लो इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो ये क्या है, मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है लड़की का एल है, क्या लेंथ है एल है, ठीक है, लड़की का एल लेंथ क्या है एल है, तो कुछ भी लगा लो, तो बड़ा वाला ट्राइंगल एल एल, ठीक है, हमको क्या निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है ना, तो और कुछ तो ट्राई क्या दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो निकालो लड़की का लेंथ एल है मान लेते हैं, तो एल इसको मान लेते हैं आर, आर बटे में एल इक्वल टू 2/3, तो आर बराबर 2l/3, ठीक है, तो 2l/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2l/3 हो जाएगा, लड़की का अगर एल लेंथ है तो, ठीक है, क्या आ जाएगा तुम्हारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज भी आ जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज भी आ जाएगा, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। इसमें रॉकेट साइंस है क्या, बिल्कुल ही रॉकेट नहीं साइंस है भाई लोग, बिल्कुल ही रॉकेट साइंस नहीं है मेरे बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बातें, समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है भाई, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के पीरियड का और बहुत प्यारा सा है। ये तो अभी बराबर बराबर डिस्टेंस की बात कर रहे थे, मान लो डिस्टेंस क्या हो अलग अलग हो तब, डिस्टेंस क्या हो अलग अलग हो तब क्या होगा भाई, तब कर लेते हैं, ये तो अभी मिड पॉइंट में खड़ा था, सेम क्वेश्चन बट द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, नाउ लेट अस, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाएंगे फील्ड ऑफ व्यू, अभी नहीं नेक्स्ट लेक्चर में ही बातें चलेंगी, चलो तो लास्ट क्वेश्चन है आज के चैप्टर का, एक लड़का खड़ा था और एक मिरर था, सेम टू सेम उसी तरह से सॉल्व करूंगा, और एक लड़की थी और ये डिस्टेंस ए है मान लो, और ये डिस्टेंस क्या है बी है, समझे, लड़का की हाइट एच है, लड़की की हाइट एच है, अब लड़की को, लड़की को देखना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ मिरर इन विच अ गर्ल कैन सी द बॉय, ठीक है, लिख लें क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मिरर बताएं, लेंथ ऑफ मिरर जिसमें कि लड़की लड़के को कंप्लीटली देख सके, ठीक है, शुरू करते हैं। अब क्या होगा, लड़की किसको देखना चाहती है, लड़के को, वही कॉन्सेप्ट, मतलब लड़के का इमेज बनेगा, लड़का ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो लड़के कहाँ इमेज बनेगा, यहाँ बनेगा ए प्लस बी दूरी पर, कितनी दूरी पर ए प्लस बी, ठीक है, सेम ना सेम डिस्टेंस, ए प्लस बी पर लड़के का इमेज यहाँ बन जाएगा, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, ठीक है, अब लड़की किसको देख रही है, लड़के को, तो लड़की को क्या दिखेगा, पैर देखना, सबसे पहले लड़की को पैर देखना है,
ठीक है, लड़कियों के किसको देखना है, पैर को दिखना है, तो लड़की को दिखेगा एक्चुअल में क्या, लड़की को दिखेगा इमेज कहां से आती हुई दिखाई देगी, पैर से दिखाई देगी, सॉरी रे कहां से आती हुई दिखाई देगी, पैर से आती दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में रे कहां से आ रही होगी, पैर से आ रही होगी क्या, वहां से नहीं आ रही होगी, एक्चुअल में रियल ऑब्जेक्ट से आ रही होगी। लड़की को क्या दिखाई दे रहा है ना, वही एग्जांपल बता हूं, लड़की को दिखाई दे रहा है यहां से आ रहा है इमेज से, क्योंकि मैं जब भी मिरर को देखता हूं तो लगता है मिरर से आ रही है रे, तो लड़की को क्या दिखाई दे रहा है, यहां से रे आते हुए दिखाई दे, लेकिन एक्चुअल में तो रियल ऑब्जेक्ट से आ रही है, यहां से ले अपलाइट आ रही है। उसी तरह से क्या दिख रही, पैर को, अब किसको दिख रहा है लड़की को, उसके सर को, तो सर को, सर के इमेज को देखेगी तो लाइट कहां से आती हुई दिखेगी, इमेज से, कहां से लाइट आती हुई दिखेगी, इमेज से आती हुई दिखेगी, कहां से दिखेगी आती हुई, इमेज से आती हुई दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में कहां से आ रही है, सॉरी आती हुई दिखेगी मतलब इसके पास आती हुई, लेकिन एक्चुअल में कहां से लाइट आ रही है, यहां से आ रही है ना, रियल ऑब्जेक्ट से आ रही है, कहां से आ रही है, रियल ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये बात समझ में आती है, पल्ले पड़ती है सबको बात, अरे भाई मिरर वाला कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिरर में अपने आप को देखते हो तो लाइट कहाँ से आती हुई तुमको दिखती है, लगता है कि मिरर के अंदर से लाइट आ रही है, तभी तो उसको देखते हो आँख की तरफ, लेकिन लाइट एक्चुअल में जाती कहाँ से है, उस ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पर जाती है और रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आँख पर आती है, वही कॉन्सेप्ट। इसको दिखाई कहाँ से लड़की को आती हुई दिख रही है, इस इमेज से, लेकिन कहाँ से आ रही है लाइट, एक्चुअल में यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर क्या बना है, इसका इमेज बना, यही फिगर है कि नहीं फिगर है, ठीक है, तो यही अब कितना लेंथ में देख सकेगी वो लड़के को, इतना ही लेंथ में देखेगी नहीं देखेगी, तो यही लेंथ निकालना है हमको, क्या करना है, यही लेंथ निकालना है, तो वो मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक बार इस वाले को सिमिलर कर लेते हैं, दोनों ट्राइंगल को, तो एक्स अपोन में बी छोटे वाले को देखेंगे, उसका बड़े वाले को, बड़े का ए डैश ओ अपोन में ए डैश ओ, नाम नहीं दिए क्या, नाम देते हैं ए बी ए डैश बी डैश, तो लिखेंगे एक्स अपोन में बी है ना, ए लेंथ बी, एक छोटे वाले ट्रेंगल एक्स अपोन में बी इक्वल टू, अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, बी डैश ओ अपोन में बी डैश ओ अपोन में, ए लेंथ यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है, ए प्लस टू बी, मतलब बी डैश ओ क्या आ गया, छोटू लो बोल रहे बेटा, ए प्लस टू बी अपोन में बी इंटू एक्स, आया कि नहीं आया, आया बोलो, अब क्या लिखेंगे, ए डैश ओ निकालेंगे, ए डैश ओ के लिए इस ट्राइंगल को देखेंगे, सिमिलर है कि नहीं, ए 90 डिग्री ए कॉमन एंगल, तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल को देख लेते हैं, वाई अपोन में बड़े वाला ट्राइंगल ए डैश ओ, ठीक है, वाई अपोन में ए डैश ओ, अरे इस तरह से कर दिए, एक अपोन में बी इक्वल टू, ये भी सही तरीका है, दोनों तरीका सही है, ठीक है, या सेम देख लो या फिर डिफरेंट देख लो, एक अपोन में बी इक्वल टू बड़ा वाला अपोन में, ये भी सही तरीका है, या फिर वो भी तरीका सही है, सिंगल सिंगल ट्राइंगल को देखो, एक अपोन में ए इसका रेशियो किसके बराबर होगा, उतना अपोन में टोटल के बराबर होगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं सेम टू सेम उसी रूप के, क्या है, वाई अपोन में बड़ा वाला ट्रेंगल ओ डैश ओ ए डैश ओ इक्वल टू वाई अपोन में ए डैश ओ इक्वल टू छोटा वाला ट्रेंगल क्या है, बी अपोन में बड़ा वाला ट्रेंगल क्या है, सेम टू सेम ए प्लस टू बी, तो यहां से भी वही आएगा, ए डैश ओ क्या आएगा, ए डैश ओ क्या आएगा भाई, ए डैश ओ क्या आएगा, वाई इंटू, या फिर पहले लिख लेते हैं टू ए प्लस टू बी अपोन में बी इंटू वाई, मतलब ये डिस्टेंस क्या आया, बी डैश ओ क्या आया, ए प्लस टू बी अपोन में बी इंटू एक्स, और क्या आया, ए प्लस टू बी अपोन में बी इंटू वाई, आया कि नहीं आया, तो भाई बोलो टोटल डिस्टेंस कितना आया, एच बराबर कितना आया, एच बराबर कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस टू बी अपोन में बी कॉमन, अंदर बचा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या मिला, एक्स प्लस वाई एच बी अपोन में ए प्लस टू बी मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब क्या है कि यदि लड़की को लड़के के कंप्लीट इमेज को मिरर में देखना है, तो लड़के के हाइट का लेंथ ऑफ मिरर कितना टाइम्स होना चाहिए, बी अपोन में ए प्लस टू बी टाइम होना चाहिए, बोलो भाई
क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। यहां से x प्लस वाई मिल गया ना, एच बी अपॉन में ए प्लस टू बी। इजी टू गेट टू एवरीबडी। अब देखो अगर दोनों सेम हो जाए तो आ जाएगा, वही सेम टू सेम आएगा पिछले से। अगर ए और बी दोनों सेम हो जाए तो सेम करके देख लो आ जाएगा। ए बी सेम हो जाएगा, देखो एच बाई थ्री आएगा कि नहीं आएगा। ए बी सेम हो जाए तो एक मान लो ए इक्वल टू बी, ए थ्री बी हो जाएगा, ए टू बी थ्री बी, ए बी बी कैंसिल हो जाएगा, एच बाई थ्री अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एच बाई थ्री आया था कि नहीं आया था, आया होगा वहाँ पर, थ्री आया था। इजी टू गेट एवरीबडी, मैंने बोला था वन थर्ड हो जाता है ना, वही। अगर ए बी सेम हो जाए मतलब मिड पॉइंट में रखता था मैं, ए बी सेम हो जाए तो अपने आप एच बाई थ्री आ जाएगा, इसको कर लेना ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए ठीक है भाई। अभी मेरे को इसमें और एक कराना था मेरे छोटू लोग ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू की बातें करनी थी, थोड़ी सी टॉपिक है छोटी सी लेकिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सफिशियंट टाइम हो चुका है ठीक है। तो पार्ट टू करके इस भी लेक्चर का इसको लिख लो पार्ट वन, और 10 मिनट 15 या 20 मिनट या फिर आधा घंटा जितना का भी होगा इसका पार्ट टू करके उसको बना दूंगा, उसको भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ठीक है भाई। तो इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर मैं बना करके तुमको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है। तो सारी की सारी डिस्कशन हो चुकी है, इसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं, हमको उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में ठीक है भाई। तो नेक्स्ट लेक्चर में इतनी ही एनर्जी के साथ, इतने ही स्ट्रेंथ के साथ एक बार फिर से मिलेंगे तुम लोगों से लिए। तब तक के लिए थैंक यू सभी बच्चों को ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों।